किसान रहेगा क्या मांगे आप लोगों की और किसको लेकर डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो और समूचे देश में सभी किसानों का कर्जा माफ हो, इन दो मांगों को लेकर हम लोग शुरू से आंदोलन किए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के किसानों से वायदा किया था कि हमें वोट दे दो, हमारी केंद्र में सरकार बनवा दो, तो हम डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे। हम लोगों ने उनके भरोसा करके उन पर खूब वोट दिया, उनकी बहुत मेजोरिटी से सरकार बनी, लेकिन 4 साल हो गए केंद्र सरकार को, उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की। इसके अलावा उद्योगपतियों का बहुत बड़ा कर्ज माफ किया, किसानों को कोई कर्ज माफी नहीं मिली है। जो उत्तर प्रदेश में मिली है वो बहुत छल कपट से है, उसका कोई लाभ किसान। आज जो विरोध है आपका, किस तरीके का विरोध? आज ये विरोध है कि किसान खून पसीने की कमाई का कोई मूल उसे बाजार में नहीं मिल रहा। टमाटर में 7 रुपए किलो पैदा करने की लागत आ रही है और टमाटर का बाजार में कोई रेट नहीं है, 1 रुपए किलो टमाटर बिक रहा। इसके अलावा गन्ने का भुगतान इस बार रिकॉर्ड बकाया हो गया, 24,000 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में बकाया। ये सरकारें समय से इसका भुगतान भी नहीं दिला पा रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट जो इन्होंने लागू नहीं की है, उसके विरोध में हम लोग एजिटेशन किए हुए हैं और जब तक ये अपना वायदा पूरा नहीं करेंगे हम इनके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। आज अधिकारियों भी आपने टमाटर, आज अधिकारियों में टमाटर वितरण किया है, इसीलिए कि अधिकारी
हमारी खून पसीने की कमाई उन्हें भी हम फ्री में दें, वो भी क्यों अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, रुपया किलो का खर्च करने की जरूरत क्या, हम फ्री में उन्हें दे रहे हैं। और आगे हम लोग MLA और MP और मंत्रियों को भी फ्री में गिफ्ट करें। अभी केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान किया है, किसानों को नहीं, सुनो यार, 8,500 करोड़ किसानों को नहीं दिया, 8,500 करोड़ उन्होंने कहा चीनी मिलों को पैकेज दे रहे हैं। चीनी मिलों को पैकेज में 4,500 करोड़ का वो एथेनॉल बनाने के लिए कम लोन पे, कम ब्याज पे लोन दे रहे हैं, उसका भुगतान से कोई संबंध नहीं है। 1,500 करोड़ रुपए जो बफर स्टॉक उन्होंने बनाया है चीनी का, उसके रखरखाव के लिए दे रहे हैं, उससे किसान का कोई वास्ता नहीं है। तो ये अभी किसान के नाम पे पैकेज पैकेज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। अभी तक किसान को कोई लाभ इसका नहीं हुआ, ना इसका कोई लाभ। अगर आगे आपकी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो आप किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे? हम मंत्रियों के घर घेरेंगे, विधायकों और सांसदों के घर घेरेंगे, हम सरकार के दरवाजे पर जाके बैठेंगे, हम सड़कों पर रहेंगे, हम घर नहीं बैठेंगे जब तक ये वायदे पूरे नहीं।